जय सी आराम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और आपका कोई भी सवाल है कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, ये जो आर्टवर्क आप देख रहे हो ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो पार्ट आपको इस वीडियो के इन डिस्क्रिप्शन में, या फिर इसके आने वाले जो भी पार्ट आगे होगा वो भी देखना चाहते हो तो वो भी इन डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। और आज तक बने रहो, कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बताऊंगा। इस बार में हम जो हेयर्स को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो मुकुट है उनको भी ड्रॉ करके कम्प्लीट करेंगे। यहाँ पे लेयर बाय लेयर कर रहा हूँ, एक एक लेयर करना है। उसके बाद फाइनल लेयर में जो है, जिस तरह से आपने ग्रेफाइट पेंसिल से हेयर्स का आउटलाइन ड्रॉ किया था, उसी प्रोसेस से आपको एक एक हेयर्स को जो है शेडिंग कर देना है। यहाँ पे अगर आप रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करना चाहते हो, इसका यही एक ही प्रोसेस है कि आप एक एक पार्ट को जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप देख देख करके ड्रॉ करो। जैसे कि आपने फेस, अगर आप ग्रीन मेथड से ड्रॉ करते हो तो फेस को ड्रॉ करते हो तो एक पूरे ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तो एक एक पार्ट कहाँ पे है उसी जगह पर बिठाने की कोशिश करते हो। हम हेयर्स में जो है थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, आलस झलक जाता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा आवाज भी जो है रियलिस्टिक हो। ऐसा कहाँ हो पाएगा, इसलिए एक एक पार्ट को देखो, जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे एक एक पार्ट को जहाँ पे है वहाँ पे बिठाओगे, उतना ही आपका आवाज जो है जैसा रेफरेंस पर में वैसा हो पाएगा। वो आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते रहो, इस तरह से और डार्क करूँगा या इस तरफ डार्क पेन डार्क करने के लिए यहाँ पर मुझे 12B पेंसिल भी यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से ड्रॉ करके कमेंट करना। राइट साइड में भी बहुत प्रोसेस करूँगा। उसके बाद मुकुट में इससे करता हूँ, पहले तो डार्क वैल्यू ऐड करूँगा मीडियम से सब कुछ, और वो आगे बताऊँगा आपको, देखते रहो। तो अगर आप भी डार्क कर रहे हो ग्रेफाइट पेंसिल से, तो लास्ट और फाइनल लेयर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं करना है। कई लोग जो है ब्लेंडिंग जो है कर देते हैं, तो उसमें जो है जो डार्क इफेक्ट वो अगर आप लाइट के पास ले जाओगे तो वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक दिखेगा, तो इसलिए आपको ये नहीं करना है जो मैंने कहा। उसके बाद हम हेमोकोट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको डार्क वैल्यू को दिखाना है, सेटिंग करना है, इसलिए मैं जो है डार्कनेस जहाँ जब भी डार्क है पहले उनको सेटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद हर जगह पे जो है जो करूँगा वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं येलो कलर यूज करूँ जो सबसे डार्क येलो है पेंसिल का, तो हर एक जगह पे यहाँ पे आपको इसको शेडिंग करना है मीडियम प्रेशर से। ज़्यादा प्रेशर से करोगे तो जो दिखेगा, और बिल्कुल हल्के प्रेशर से जो करोगे जो दिखेगा उसकी मीडियम वाला मीडियम जो है शेडिंग, वही प्रोसेस आपको करना है। तो उससे कैसे हमें पता चलेगा कि क्या मीडियम क्या हल्का शेडिंग या सब। तो यहाँ पे जिस प्रेशर से आपने आउटलाइन को ड्रॉ किया है उसी प्रेशर से आपको शेडिंग करना है। बस ये समझ लो कि ये मीडियम प्रेशर है, या फिर आपने जिस प्रेशर जितना प्रेशर देकर आपने आउटलाइन को ड्रॉ ग्रिड को ड्रॉ किया था उसी तरह से वो मान लो मीडियम प्रेशर है। इसके बाद ऐसे करने के बाद और हमें येलो कलर को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे लाइट येलो है, लेमन येलो है, सब करना है आपको शेडिंग ब्लेंडिंग जो भी।
बैनिंग ही कर देना है तुरंत। उसके बाद में आप व्हाइट व्हाइट ऑयल पेस्टल कलर से जहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम ब्रश से यहाँ पे भी शेडिंग करना है आपको, यहाँ पे जहाँ पे भी हाईलाइटेड है। दो बार मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया व्हाइट ऑयल पेस्ट कलर से, एक फर्स्ट लेयर में जो है उतना हाईलाइट नहीं हो पाया, तो आप नेक्स्ट कर सकते हो। बिकॉज इसके बाद भी मैं कुछ करूँगा, तो उससे पहले मैं जो है जो आउटलाइन मतलब जो डिटेलिंग करना था वो कलर करने के बाद वो छुप गए हैं, तो उससे हमें हाईलाइट करना है, इसलिए मैं जो है डार्क ब्राउन कलर पेंसिल यूज कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 0.9 वाला, जिससे आपको थोड़ा सा हाईलाइट डार्क कर देना है जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। उसके बाद हाईलाइट करना हमें वाटर कलर से, आपके पास वाटर कलर नहीं है तो वाइट और जेल पेन तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑयल पेंसिल कलर में जेल का कोई बस नहीं चलता, तो इसलिए आपको जो वाटर कलर लेना है। वाटर कलर नहीं होगा, फेब्रिक कलर लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, उस समय बाद बार बार उसमें हाथ लगाओगे तो वो कलर ही उठ जाएगा वहाँ से, तो इसलिए आपको वाटर कलर का ही जो व्हाइट कलर है वही यूज़ करके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सबसे। तो ये वीडियो पार्ट जो है ये पार्ट तो खत्म होने वाला है, तो यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हो इस टाइम पर एड करना है, और कोई भी सवाल तो कॉमेंट में बताना है, और सवाल करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट को देखना है, उसका जवाब मैं नेक्स्ट पार्ट में ही दे देता हूँ। तो देखते रहो,